आज हम मैक्रम का न्यू डिज़ाइन राउंड शेप का मिरर बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमने मैक्रम ले लिया है ब्लू कलर का, यहाँ पे हमने बीट्स ले लिया है और हमें दो रिंग की ज़रूरत होगी और एक राउंड शेप का मिरर। हमारा रिंग 10 इंच का है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 1.5 मीटर का थ्रेड ले लिया है और इसे इस तरह डबल फोल्ड कर लिया है, इसे फोल्ड कर लिया है और इस अब हम रिंग में अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इसे इस तरह डालेंगे और इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हमें पूरा थ्रेड अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कॉर्ड अटैच कर लिए हैं रिंग में। अब हम इसमें मिरर लगाएंगे। मिरर हम इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर 10 इंच की रिंग इस तरह, और जो हमारा ये कॉर्ड है इसे हम एक एक बार रैप करते हुए इससे निकाल लेंगे मिरर से इस तरह। सारे कॉर्ड इसी तरह एक एक बार रैप करते हुए निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने रिंग अटैच कर ली है और उसमें थ्रेड अटैच कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमने इसमें एक एक स्क्वायर नॉट लगा के तैयार कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हम और इस तरह फिर बटन नॉट बना के तैयार करना है। देखिए स्क्वायर नॉट कैसे लगाना है हमें। ये हमारे 4 थ्रेड है इसका, इस तरह देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे स्क्वायर नॉट लग के तैयार हो गया। इसी में आगे इस तरह स्क्वायर नॉट लगा के तैयार कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 1 2 3 3 इस इधर साइड नॉट लगे हैं और 1 2 3 3 इधर साइड। अब फ्रेंड्स, जो हमारा बीच का कॉर्ड है वो हमें, ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो हमारा बीच है वहाँ पे 2 थ्रेड इधर के 2 थ्रेड इधर छोड़ने के बाद जो हमारा बीच का स्पेस है वहाँ पे थोड़ा स्पेस बनाएंगे और फिर कॉर्ड, ये जो हमारे बीच के 2 कॉर्ड हैं वो इसमें डालेंगे, जो हमने अभी स्पेस बनाया था। देखिए फ्रेंड, दूसरा डाल के और फिर इसे थ्रेड जो ये हमारा खींच लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह हमें खींच लेना है और ये जो साइड के कॉर्ड थे उससे हमें स्क्वायर नॉट लगा लेना है। ये देखिए, इन दोनों बीच वाले थ्रेड को ऐसे इस तरह रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल में नॉट्स के बारे में देख जानना है तो मेरे चैनल पे वीडियो डला हुआ है क्लासेस से, आप वो जाके देख सकते हैं। ये हमारा बटन नॉट तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड फिर से देख लीजिए। देखिए हमारे 4 थ्रेड है, इसका स्क्वायर नॉट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बन के तैयार हो गया एक स्क्वायर नॉट। अब फ्रेंड्स, यही स्क्वायर नॉट बनाते हुए हमें 3 इधर और 3 इधर स्क्वायर नॉट बनाने हैं टोटल। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 हमारे इधर नॉट तैयार हो गए हैं, 3 इधर, और ये जो हमारा बीच का थ्रेड है
वही प्रोस फिर से ये बीच में स्पेस देके और ये थ्रेड डाल देना है स्पेस में। देखिए फ्रेंड्स ये हमने और डाल दिया है बीच में और इसे इस तरह खींच लेंगे। देखिए इस तरह खींच लिया और अब स्क्वायर नॉट लगा देंगे। ये हमारा बटन नॉट तैयार हो गया। हमें पूरा सर्कल राउंड पूरा ऐसे बटन नॉट तैयार करना है और सेकंड रो में फ्रेंड्स सेकंड दो हमें इस तरह दो रो तैयार करना है। सेकंड रो में देखिए ये जो हमारे दोनों बटन नॉट हैं इसके बीच के हमें थ्रेड लेना है, दो इस बटन नॉट के और दो थ्रेड इस बटन नॉट के इस तरह, और फिर इसमें स्क्वायर नॉट लगाते हुए फिर बटन नॉट तैयार कर लेना है। देखिए तीन नॉट इधर तीन नॉट इधर और ये जो हमारा बीच में स्पेस है इसमें थ्रेड डाल के खींच लेंगे। ये जो हमारा बीच में स्पेस है इसमें हम इस तरह कॉर्ड अपना कॉर्ड डाल के इस तरह खींच लेंगे और फिर अपना लगा के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स इसी तरह हमें सारे नॉट बना के तैयार कर लेना है, दो दो लाइन पूरा हमें बटन नॉट्स बना के तैयार कर लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये दो लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें ट्रायंगल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह हम कॉर्ड ले लेंगे, जो हमारे दो बटन नॉट के बीच के कॉर्ड है उसे ले लेंगे और इसी तरह फिर बटन नॉट बनाना है, लेकिन अब हमें ट्रायंगल में बनाना है। ये हमारा दूसरा नॉट भी बन गया, अब हम थर्ड नॉट बनाएंगे। अब हमें इसके नीचे दो नॉट बनाने हैं, इन दोनों कॉर्ड के बीच में, इन दोनों नॉटों के बीच में हमें एक और नॉट बनाना है। इधर से हम दो कॉर्ड छोड़ देंगे।
इधर ये वाले नॉट से भी दो कॉर्ड छोड़ देंगे और दो कॉर्ड इधर ये उसका बीच वाले नॉट का और दो कॉर्ड इस साइड वाले नॉट का लेके एक और बटन नॉट बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स दो नॉट तैयार हो गए। अब हम थर्ड नॉट बनाएंगे 3 2 1। इधर ये वाले नॉट से इधर दो थ्रेड हमने छोड़ दिया और ये वाले भी नॉट से ये साइड के दो थ्रेड छोड़ के और बीच वाले कॉर्डों से नॉट बना लेंगे। इस तरह हमें ट्रायंगल बनाते हुए पूरा सर्कल तैयार कर लेना है। फिर सेकंड नॉट जब हम दूसरा ट्रायंगल बनाने के लिए फ्रेंड्स नॉट लगाएंगे तो जो हमने ये वाले कॉर्ड से लगाना स्टार्ट किया था और जो दो कॉर्ड हमारे छूटे थे वो दो कॉर्ड और इस वाले नॉट से दो कॉर्ड लेके हम बनाएंगे। थर्ड नॉट लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे 3 नॉट बन के तैयार हो गए। अब फ्रेंड्स जो हमारा ये पहला नॉट था इसमें हम दो कॉर्ड इधर के छोड़ देंगे और दो कॉर्ड इधर साइड के लेके ना नॉट इसी तरह नॉट बना लेंगे ट्रायंगल में दो, फिर उसके बाद इधर एक जैसे हमने यहाँ पे बनाया था दो फिर एक इसी तरह। देखिए फ्रेंड्स ये हमने 3 बनाया 1 2 3 फिर उसके बाद 2 1 2 फिर इसी तरह हमने यहाँ भी बनाना है 1 2 3 हमने बना लिया है। फिर फर्स्ट वाले जो हमारा फर्स्ट वाला नॉट है इसमें से हम दो कॉर्ड इस इधर से और दो कॉर्ड ये साइड से छोड़ते हुए बना लेंगे 2 फिर ये 1 इसी तरह सारे ट्रायंगल बना के तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पूरा ट्रायंगल बन के सर्कल तैयार हो गया है जो हमने डिजाइन बनाई थी बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें आगे की डिजाइन बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम इस तरह की डिजाइन बना के तैयार करेंगे जो हमारा ये ट्रायंगल है उधर इसका हम इस तरह ये देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है
इसमें हम ये वाला एक कॉर्ड पकड़ के, पहला कॉर्ड पकड़ के इस तरह पाइपिंग कर लेंगे। जो हमारा ये वाला नॉट है फ्रेंड्स, लास्ट वाला, उसका हम एक कॉर्ड इधर ले लेंगे और एक कॉर्ड इधर, और ये इस तरह पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पाइप कंप्लीट हो गया है। हम इस इधर का पाइपिंग करेंगे, जो हमारा फर्स्ट है इसे इस तरह रखेंगे और बाकी थ्रेड से पाइपिंग करेंगे। हमारा ये पाइपिंग होकर तैयार हो गया। अब जो हमारा ये वाला कॉर्ड है, इससे हम आगे की पाइपिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड में थोड़ा गैप देना है। फिर थर्ड, फ्रेंड्स जो हमारा बीच का कॉर्ड है, ये देखिए पहले ये बीच का जो कॉर्ड है, इधर का फर्स्ट कॉर्ड, उसमें हमें एक बीच फंसाना है। और पाइपिंग कर लेना है। फिर फ्रेंड ये वाला कॉर्ड लेके इस तरह रखना है और पाइपिंग करना है। फ्रेंड्स इसमें मैंने टोटल, ये जो हमने कॉर्ड अटैच की है, टोटल 90 कॉर्ड अटैच किए हैं। मैंने 1.5 मीटर का कॉर्ड अटैच किया है, जो थोड़ा सा छोटा है, आप थोड़ा चाहे बड़ा कर सकते हैं, 1 से 1 मीटर 80 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा ये वाला कॉर्ड है, इसे भी हम इस तरह पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4, ये हमने 4 लाइन तैयार कर ली है। अब फ्रेंड्स हम ये साइड भी इसी तरह पाइपिंग करके तैयार कर लेंगे।
चार चार लाइन पाइपिंग करके तैयार कर ली है। अब फ्रेंड्स जो हमारा जो हमने पाइपिंग करी है ये वाला थ्रेड और इधर का ये वाले इधर साइड का ये वाला थ्रेड उसे हम ये वाले थ्रेड को ऐसे रखेंगे और ये बाजू वाले थ्रेड को ऐसे इसके ऊपर से रैप करते हुए पाइपिंग कर लेंगे इस तरह। देखिए फ्रेंड्स इस तरह हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे सर्कल में डिज़ाइन बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने सारे डिज़ाइन बना के तैयार कर ली है। ये टोटल हमारे 15 डिज़ाइन बने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पूरे 15 डिज़ाइन बनी है। अब हम इसे काट के स्टिच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम इधर से देखिए फ्रेंड्स हम इसे इस तरह काट लेंगे और इधर का भी। फ्रेंड्स हम अब इसे स्टिच करेंगे। इसे हम उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए तरह हम सारे को काट के स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह हम सारे कॉर्ड काट के स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे डिज़ाइन बनके तैयार हो गए। हमने इसे काट के स्टिच कर लिया है। ये देखिए इस तरह हमारी डिज़ाइन बनके तैयार हो गई। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन